और मैं काशी से सांसद हूं और इसलिए मेरा आपका नाता जरा पक्का हो जाता है। जयपुर हमारे देश की आन बान शान रहा है। अगर आईटी की चर्चा होगी तो लोग अगर बेंगलुरु को याद करते हैं, लेकिन कई दशकों से अगर टूरिज्म की चर्चा होती है तो बात जयपुर से शुरू होती है। भाइयों बहनों, शायद ये जयपुर में चुनाव का आखिरी बड़ा कार्यक्रम होगा और पूरे राजस्थान में कल शाम 5 बजे से प्रचार का अभियान पूर्ण होगा। हर राजनीतिक दल, हर उम्मीदवार आपके पास अपनी बात रखने के लिए आया है। अभी आपका काम है कि आप किसी भी प्रकार की भावनाओं में बहे बिना स्वस्थ मन से आने वाले 24 घंटे 48 घंटे चिंतन करें और आप एक ही कसौटी पर कसिए, देश पिछले 70 साल से जैसा चला है वैसा ही चलने देना है कि पिछले 4 साल में जो गति पकड़ी है उस गति को बरकरार रखना है, इसका निर्णय आपको करना है। चुनाव में हम सोचते हैं कि मैं मेरे वोट से किसी को विधायक चुन रहा हूं, किसी दल को वोट दे रहा हूं, किसी दल की सरकार बना रहा हूं, किसी को जिता रहा हूं, किसी को हरा रहा हूं। मुझे लगता है आपका वोट सिर्फ इस काम के लिए नहीं है। कौन जीते कौन हारे, कौन विधायक बने कौन न बने, कौन दल ज्यादा वोट ले जाए कौन दल कम वोट ले जाए, आपका वोट इस बात के लिए नहीं है। आपका वोट तो आप अपने बच्चों को कैसा राजस्थान देना चाहते हैं उसका निर्णय करने का। और ये निर्णय करने का आधार क्या होगा? आखिरकार सरकार, हम जब सरकार चुनते हैं तो किस बात के लिए चुनते हैं? हमारी समस्याओं को कम करें इसलिए चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं? हमारी मुसीबतें कम करें ये सरकार का काम है कि नहीं है? धीरे धीरे देश में हमारे लिए आवश्यक बदलाव लाए ये सरकार का काम है कि नहीं है? जिसके पास कुछ नहीं है उसका आधार सिर्फ सरकार होती है कि नहीं होती है?
निराधार का आधार कौन होता है भाइयों? अगर एक